नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। पौड़ी में मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश को देखते हुए पौड़ी में रेड अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के रेड अलर्ट को देखते हुए जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगटंडे ने पौड़ी के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा जनपद के नदियों के समीप रहने वाले लोगों को नदी से दूर रहने की अपील की गई और इन लोगों के रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था तहसील प्रशासन द्वारा की जा रही है। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने जनपद के नागरिकों से अपील की है कि वे यथासंभव हो तो अपनी यात्रा को टाल दें और अति आवश्यक होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें। ग्राम पंचायत भंगौटा के भारकोट बार में आयोजित 3 दिवसीय शैलपुत्री नंदा देवी आठवाड़ कौथिक अंतिम दिन मां नंदा देवी के भक्तों ने मां नंदा के दर्शन किए और उनको अश्रुपूर्ण नेत्रों से कैलाश के लिए विदा किया। मां नंदा को यहां लोग अपनी इष्ट देवी मानने के लिए साथ साथ अपनी बेटी भी मानते हैं और इसीलिए एक बेटी के उसको ससुराल कैलाश विदा करते समय सभी की आँखें नम हो गई, सभी भावुक होते हुए नजर आए। चमोली जिले के रूपकुंड और हिमालय को जोड़ने वाला मोटर मार्ग पर भारी बारिश के चलते पहाड़ी खिसकने से वाण और कुलिंग के बीच सड़क पर भारी मलबा पत्थर गिरने से आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। स्थानीय लोग और वाहन चालक सड़क खोलने की लगातार कोशिश करते रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि PWD विभाग सुन पड़ा हुआ है, उसकी ओर से सड़क खोलने की कोई पहल नहीं की जा रही। वहीं हिल स्टेशन लोहगंज और कुलिंग के बीच बुरकोट गधेरे में भी बहुत पानी आ रहा है, जिससे वाहनों और यात्रियों को हर समय खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद ऋषिकेश में बादल जम के बरस रहे हैं। अचानक से मौसम में बदलाव आने से घने बादलों के बाद रिमझिम बारिश के बीच अचानक से मूसलाधार बारिश होने लगी, जिससे नगरवासियों को गर्मी से राहत मिली और जो उमस से राहत मिलने की संभावना थी, अगर ये बारिश शाम तक होती है तो यहाँ का मौसम खुशगवार हो जाएगा। काफ़ी दिनों से मौसम विभाग की चेतावनी के बाद भी यहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी और इसी बीच गर्मी से लोग परेशान थे, लेकिन सुबह से हो रही बारिश की वजह से लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। हालाँकि कई लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। गदरपुर के तहसील परिसर में जिला लेखपाल संघ की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 6 बिंदुओं पर चर्चा हुई। विशेषकर अतिरिक्त क्षेत्रों का कार्य पटवारियों को दिया गया और इसको लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर जिलाध्यक्ष सतपाल बाबू ने कहा कि पटवारी को अति क्षेत्र का कार्यभार दिया गया है, जो कि पूरी तरह से गलत है। हम लोग बढ़ी हुई जनसंख्या के अनुसार एक क्षेत्र में एक ही कार्य कर सकेंगे और यदि शासन प्रशासन दबाव बनाता है तो मजबूरन बड़े आंदोलन को बाध्य होना पड़ेगा और हम लोग तमाम क्षेत्रों का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। इसके अलावा शासन द्वारा राशन कार्डों के सत्यापन का कार्य पटवारियों को दे दिया गया है, जो कि पूरी तरह से गलत है। ये कार्य खाद्य आपूर्ति विभाग और ब्लॉक स्तर से होता है, इसलिए हम लोगों ने इस कार्य को करने से स्पष्ट मना कर दिया। जिला कार्यकारिणी के नियमों के अनुसार जो पटवारी इन कार्यों को करता हुआ पाया जाएगा उस पर भी हम लोग अपनी यूनियन के हिसाब से कठोर कार्रवाई करेंगे। बुलंदशहर में अपर मुख्य सचिव पशुधन दुग्ध विकास मत्स्य तथा समन्वय विभाग उत्तर प्रदेश शासन रजनीश दुबे द्वारा कुर्जा तहसील के सभागार में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक पांडे तथा अन्य विभागीय अधिकारियों और दुग्ध उत्पादकों संबंधी उद्यमियों के साथ एक समीक्षा बैठक की गई। बुलंदशहर के सियाना क्षेत्र से पूर्व विधानसभा उम्मीदवार रही कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित को फोन पर जुबान काटने की धमकी दी गई है। पूनम पंडित को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी। कांधला के एक शख्स नौशाद पर पूनम पंडित की जुबान काटने की धमकी का आरोप है। पूनम पंडित ने एसएसपी बुलंदशहर से शिकायत की है। शिकायत के आधार पर पुलिस जाँच में जुटी है। कांग्रेस के टिकट पर सियाना विधानसभा सीट पर पूर्व उम्मीदवार रही है पूनम पंडित।
सरकार की मुख्य योजनाओं में से एक योजना खाद्य वितरण योजना है। इस योजना के तहत कोरोना काल से सरकार ने गरीबों को महीने में दो बार राशन देने के फैसला लिया, जिससे लेकर कोटेदार ऐसे भी हैं जो गरीब के निवाले पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। मामला सिद्धार्थनगर जिले के भनमापुर विकासखंड के हटवा पटना का है, जहाँ पर कोटेदार की मनमानी का विरोध करने पर वो महिलाओं से अभद्र व्यवहार करने के साथ उन्हें उनके साथ गाली गलौच भी कर रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने घेराव किया और साथ ही साथ बताया कि कोटेदार अंगूठा लगवा लेते हैं लेकिन राशन नहीं देते। जैसे पाछू भाई लड़का दूनम का अंगूठा ना लाग रहा तो इन्हें गए ही तो मशीन चालू किए रहे तो हम कहें कि अंधेरन का अंगूठा जब तुरे लगाएगी अंगूठो लगी तब रसना मिली तो उन्हें जब लगाए लागे तो ये ढकियल दी अंधेरन का तब कहन भैया कहे ढकियल तो अंधेरन का अंगूठा लगवा लो तब कहा कि तू बड़ी खर खर बनी ही अपन लेबे ही कि अपनो नहीं लेबे काम के नहीं काहे जैसा हमारे घर का लड़कियाँ हुआ है भैया तो अब काहे वो ढंग का ढकेला था अंगूठा लगी तब तो मिली क्या कहेंगे इसमें ठीक है। हमें जो बात से कल शिकायत मिली है प्रांगण द्वारा के साथ अभी वितरण नहीं हुआ है, इसको मैं दो से तीन दिन में कल परसों में इसकी जाँच कर लूंगा और धारकों को जाकर मौकूल बया ले लूंगा। अगर कोई गड़बड़ी मिलती है तो उसको जो सुसंगत कार्रवाइयाँ बनेगी उसके संबंध में आपके भेजूंगा। सर लेकिन कोटेदार द्वारा जो है अपशब्द का प्रयोग किया जाता है महिलाओं के साथ, तो बिल्कुल अगर इस तरह किया जा रहा है तो फिर वो गलत है और उसके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई करेंगे। बुलंदशहर के विकासखंड ऊंचा गांव के ग्राम मदनगढ़ में स्थित प्राथमिक विद्यालय मात्र एक शिक्षक के बूते ही चल रहा है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय में तैनात एक महिला अध्यापिका स्वेच्छा से निशुल्क बच्चों को शिक्षा दे रही हैं। विद्यालय के इंचार्ज और सहायक अध्यापक सचिन शर्मा है, एकमात्र सचिन शर्मा के बूते ही प्राथमिक विद्यालय चल रहा है। प्राथमिक विद्यालय में करीब 70 बच्चों को वो पढ़ाते हैं। सचिन और अध्यापिका के माध्यम से ही बच्चे पढ़ रहे हैं। कुछ समय पहले विद्यालय में सचिन सहित एक शिक्षक और तैनात था, हाल ही में शिक्षक का दान हो गया ट्रांसफर हो गया है, जिसकी वजह से अब और ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। लेकिन सचिन और अध्यापिका हार नहीं मान रहे हैं, 70 बच्चों को रोजाना पढ़ाते हैं। मुरादाबाद में चलती कार में भीषण आग लग गई। आग लगने से कार सवार लोगों में हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट के कारण कार में आग लगी और ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। वक्त रहते कार सवारों ने कार से कूदकर खुद को सुरक्षित किया। आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। थाना सिविल लाइन इलाके की पीली कोठी चौराहे की घटना। पहाड़ों में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से गंगा के साथ चंद्रभागा नदी भी उफान पर आने लगी है। धीरे धीरे नदी में पानी का जलस्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक आए पानी की वजह से नदी में बनाए गए स्थायी पार्किंग से ज्यादातर वाहन तो बाहर निकाल लिए गए, मगर एक कार इस बीच नदी में ही फंस गई है। प्रशासन ने गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे नहीं जाने की अपील लोगों से की है। श्रावस्ती में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। तालाब किनारे सुबह सवेरे युवक का शव पड़ा मिला। राहगीरों ने देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची है और इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।